मेरा नाम जो है मुनीर अहमद है। मेरे अबू अब्दुल हमीद वो फौज में होते थे, खुद फौजी थे, तो EME कॉलेज रावलपिंडी में बाकायदा उधर वो करता था काम, उसका कमरा था। फिर वहाँ इधर उसकी वो हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, फिर वो इधर ही लगा रहा। मैं उसके साथ काम सीखता था एक, तो जब वो फौत हो गए फिर उसके बाद फिर मैंने ये काम संभाला। हमने तो कम से कम हम 25-30 साल से काम कर रहे हैं, बस इसी छोटी दुकान में हम फंस के रह गए। मैं आज इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। आप यकीन करते हो, मैं इधर 1-2 घंटे इधर काम करता हूँ, फिर बाद में बच्चों के लिए वेल्डिंग का काम करता हूँ, ताकि वो हमारा ज़िंदगी का जो है ना गुजर बजर उसी से हो रहा है। यानी पेंटिंग से हमको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। इतना मजबूर हो गया हूँ कि आप यकीन करो, जब मैं घर में मुजस्मा बना रहा होता है या कुछ ना, तो अलग घर वाले जो है ना वो लोग बोलते हैं आप जो है ना ये मिट्टी तो नहीं खिला सकते बच्चों को ना। ये देखो एक मुजस्मा बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना काम, इसमें बड़ा हुनरमंदी है। मगर अफसोस अभी हम अपने बच्चों को तो ये इसका आर्ट गारा तो नहीं खिला सकते ना, कि मेरा काम जो है ना, यानी शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिधर नहीं गया हो। मगर क्या है, नीचे से मेरा नाम मिटा देते हैं वो लोग, अपना नाम से आगे जो है वो लोग बेचते हैं और कारोबार करते हैं इससे। मगर अफसोस का बात है कि हम इस सूबे में बैठ कर इस सूबे का खिदमत कर रहे हैं और कब से करता आ रहा है, तो इधर जो है ना किसी ने हमको वो वाला इज्जत नहीं दिया। आर्ट जो है एक खामोश जबान है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही ना, आप आर्ट के ज़रिए समझा सकते हो लोगों को। यानी पहली जबान इसको समझो, जब लोग बोलना नहीं जानते थे आर्ट के ज़रिए समझाया जाता था, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसमें हम लोग आगे निकल जाए, यानी दुनिया में देखो आर्ट के बाद ही सब कुछ बनता है। पहले स्केच बनता है, फिर जहाज़ बनता है, फिर पहले स्केच में पहिया बना था, तब जाके पहिए ने शक्ल अख्तियार कर। तो दुनिया में ये ईजाद का एक नया रास्ता है। ये इधर बहुत लोग आते हैं, बहुत लड़कियां आते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजों से कि हम लोगों को जो है ना काम सिखाओ, मगर इधर मेरे बैठने का जगह नहीं है। आप ख़ुद देख रहे हो किराए की दुकान है, यानी इधर बहुत ही मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा तस्वीर बनाया था, वो जो है ना बदमाश टाइप के लोग हैं, वो लोग जो है ना अभी वो 4 लाख का तस्वीर था, 1 रुपया भी नहीं देखे गए वो लोग। तो इस शहर में तुम किससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं? अगर चाहे ना तो मुझे आलमी मुकाबलों में ले जा सकते हैं। आप यकीन करते हो मैं बहुत ही बारीक काम करता हूँ, मेरा काम जो है अंग्रेज़ लोग बहुत पसंद करते हैं। मगर कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि हमको आप दे और हमको जो है ना निकाल ले आगे। हमने ज़िंदगी इस कामों में लगा लिया।